पाकिस्तान के पहले स्कूल मिल्क प्रोग्राम की कहानी शुरू हुई एक साल पहले एक सवाल से कि हम अपने बच्चों को भरपूर गजा पाने का बराबर मौका कैसे फराहम करें। What we have found through research is that the first 8,000 days of a child's existence are critical in setting the benchmarks for nourishment, health and education. What is the best way of providing this to our children? It is through schools. That is where we have the best access to the most number of children. इस आगाही के साथ पाकिस्तान का पहला स्कूल मिल्क प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन फ्रीजलैंड कैंपीना एंग्रो पाकिस्तान और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस के इश्तराक से तख्लीक पाया। स्कूल मिल्क प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में जो हमने अभी कंप्लीट किया है, दिस वाज ए यूनिक प्रोग्राम कि इसमें ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में के रिसर्च का कंपोनेंट था। इस प्रोग्राम में फ्रीजलैंड कैंपीना एंग्रो ने दूध की सप्लाई चेन को यकीनी बनाया, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन ने जिला शेखुपुरा और जिला अटक में पब्लिक स्कूल सपोर्ट प्रोग्राम के मातहत स्कूल्स मुहैया किए और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस के रिसर्चर्स ने एक साल तक तहकीकी अमल और नतायज मुरतब किए। ये तमाम स्कूल्स बहुत ज़्यादा देही इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत ज़्यादा दूर दराज हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा एक मेजर चैलेंज जो था वो ताज़ा दूध की सप्लाई का था। मुख्तलिफ चैलेंजेस के बावजूद इन इलाकों में महफूज और मयारी दूध 3 माह तक मुहैया करने का फरीजा हमारी फील्ड टीम्स ने बखूबी अंजाम दिया और इस पायलट प्रोजेक्ट का तमाम डेटा रिकॉर्ड किया गया। क्लियरली ये पता लग रहा है कि जो बॉडी मास इंडेक्स जिसको कहते हैं ये बड़ा है बच्चों बच्चियों में, इसके साथ हाइट में बढ़ोतरी हुई है, इसके साथ जो स्टंटिंग और वेस्टिंग के इंडिकेटर साइंटिफिक हैं उनमें बहुत बेहतरी आई है, और साथ ही ये मैं बताता चलूं कि जो मसल जो पट्ठों की मजबूती है वो भी क्वांटिटेटिवली इंडिकेटर्स हैं ये बेहतरी आई। उसके अलावा जो डाइटरी रिकॉल हमने बच्चों का लिया है उसके अंदर जो उनकी कैलोरी कंजम्पशन थी वो ड्यू टू द प्रोविजन ऑफ मिल्क वो इंक्रीज़ हुई थी। कुछ बच्चे ऐसे थे कि जो हमें फर्स्ट जो बेसलाइन मेजरमेंट हमने ली थी उसके दौरान हमें काफ़ी डल लग रहे थे, तो आफ्टर सम टाइम जब हमने दूसरी रीडिंग ली तीसरी रीडिंग ली तो तब हमें वो बच्चे काफ़ी एक्टिव फील हुए, तो दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट चेंज फॉर अस। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रोजेक्ट जो शायद 70 साल में हमारे मुल्क में पहला एम्पिरिकल डेटा जनरेट हुआ है, व्हाट डज ऑल दिस मीन? गोइंग फॉरवर्ड वी विल यूज दीज लर्निंग्स टू पार्टनर विद गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट एजेंसीज टू रोल दिस प्रोग्राम आउट थ्रू आउट पाकिस्तान एंड प्रोवाइड आवर चिल्ड्रन विद न्यूट्रिशन एंड अटेंडेंस इन स्कूल टू प्रोवाइड देम गुड एजुकेशन। मेरी रिक्वेस्ट होगी जितने हमारी रिफाही अदारे हैं, गवर्नमेंट है, प्रोवेंशल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, इंटरनेशनल एनजीओज हैं, ये हमारा फ्यूचर है, इसके ऊपर अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो जो हमारे अलार्मिंग सिचुएशन है स्टंटिंग की, मेल न्यूट्रिशन की और फ्यूचर जनरेशन की एक हेल्दी और सेहतमंद कौम बनाने की, तो ये एक उसकी बुनियाद है कि हम उसको स्कूल मिल्क प्रोग्राम, स्कूल मील प्रोग्राम ये शुरू किए जाए, या प्राइवेट सेक्टर भी इसको अगर टेक अप करना चाहे कि दिस इज एन आइडियल टूल कि दैट वी शुड अपस्केल दिस प्रोजेक्ट। सैडली वी हैव इग्नोर्ड दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी ओवर मेनी डेकेड्स कंसीडरिंग द प्रेसिंग नीड्स फॉर न्यूट्रिशन, स्कूल एनरोलमेंट एंड हंगर फुलफिलमेंट फॉर आवर चिल्ड्रन। ऑल आवर एफर्ट्स आर फॉर नर्सिंग टुमारो, आवर फ्यूचर जो जनरेशन है उसको हम एक हेल्दी जनरेशन बिल्डअप करने जा रहे हैं, और दिस इज़ मच नीडेड वर्क एंड वी अप्रिशिएट ऑल दोज हु कम फॉरवर्ड एंड हु वांट टू जॉइन आवर हैंड्स इन दिस कॉज दैट वी कैन बिल्ड ए स्ट्रॉन्गर नेशन। पाकिस्तान भर के बच्चों में स्टंटिंग और मेल न्यूट्रिशन को अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक साल पहले हमने ये अजम किया था कि हमारा हर बच्चा होगा सेहतमंद, खुशहाल और कामयाब। अब इस अजम को तकमील तक पहुंचाने का वक्त आन पहुंचा है। शेयर आवर रिसर्च एंड डॉक्यूमेंट्री कंटेंट विद ऑल दोज हु केयर, ताकि हम पूरे पाकिस्तान तक पहुंचा सकें